नमस्कार, मैं नवल किशोर, न्यूरोथेरेपिस्ट, हेल्थ कंसल्टेंट। पिछले 10 साल के अनुभव में मैंने देखा है कि जो हमारे पास ज्यादातर पेशेंट आते हैं वो तीन तरीके की बीमारियों के बहुत आते हैं। पहला है सर्वाइकल, दूसरा है कमर दर्द और तीसरा है घुटने का दर्द। आज मैंने जो देखा है कि हर तीसरा और चौथा व्यक्ति सर्वाइकल के दर्द से बहुत परेशान है। सर्वाइकल हमारे गर्दन की जो वर्टिब्रा होते हैं, जिसमें आप C1 से लेकर C7 तक के वर्टिब्रा होते हैं, उनको सर्वाइकल कहते हैं। अगर उसमें कोई दर्द आ जाए तो उसको सर्वाइकल का दर्द कहते हैं। सर्वाइकल कोई प्रॉब्लम नहीं है, सर्वाइकल वर्टिब्रास के नाम होते हैं C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7। आप जब MRI के लिए जाते हैं, आपके गर्दन में दर्द होता है, गर्दन को नीचे झुकाने में दर्द है, दाएं बाएं देखने में दर्द है, तो डॉक्टर MRI करते हैं और उसमें लिखा होता है कि नर्व कंप्रेशन बिटवीन C1 और C2 या नर्व कंप्रेशन C5 C6, यानी कि C5 और C6 के बीच में जो डिस्क है वहां से जो नर्व निकल रही है उनमें कंप्रेशन आ गया है और उस कंप्रेशन की वजह से आपको हाथों में सुनपन, नमनेस या झंझनाहट या दर्द या फ्रोजन शोल्डर हो जाना या कंधे की मूवमेंट खत्म हो जाना या स्टिफनेस होना, गर्दन की मूवमेंट में फर्क आ जाना, ये सारी समस्याएं सर्वाइकल से रिलेटेड हैं। तो इस कंडीशन में आप न्यूरोथेरेपी के ट्रीटमेंट के साथ में, मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया है कि आप कौन कौन से ट्रीटमेंट न्यूरोथेरेपी के दे सकते हैं, उसके लिए आपको किसी दूसरे की सहायता की जरूरत पड़ेगी। उस कंडीशन में आपको कोई, या आप दूसरे को ट्रीटमेंट दे सकते हैं, या अगर आपको ट्रीटमेंट चाहिए तो कोई दूसरा आपको दे सकता है। लेकिन इस कंडीशन में अगर आपको सर्वाइकल है तो आप कुछ एक्सरसाइज के माध्यम से भी उस सर्वाइकल में तुरंत राहत ले सकते हैं। तो मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से वो कुछ एक्सरसाइजेस बताता हूं जो आपको सर्वाइकल के दर्द के लिए करनी है। इन एक्सरसाइज को आप सुबह दोपहर शाम करते हैं या सुबह शाम भी करेंगे तो इससे आपको बहुत जल्दी राहत मिल जाएगी। और अगर आप किसी न्यूरोथेरेपी सेंटर पर जाते हैं तो वहां पर इसका ट्रीटमेंट पूरी तरीके से करा सकते हैं। तो घर बैठे क्या करें सर्वाइकल के लिए, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आप हाथ आगे रखेंगे, मुट्ठी बंद करेंगे, अंगूठा अंदर और इनको क्लॉकवाइज घुमाएंगे। ये 10 टाइम्स करनी है। ये 10 टाइम्स करने का इसी को ठीक अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि उल्टा करेंगे। 10 बार एंटी क्लॉकवाइज करेंगे क्योंकि आपकी सर्वाइकल की सारी नर्व आपकी उंगलियों तक जाती हैं। इसके बाद में ये 10 बार करने के बाद में गर्दन सीधी रहेगी, कमर सीधी रहेगी, इधर और आप सीधे खड़े होंगे। उसके बाद में दोनों हाथों को इस तरीके से मोड़ना है, 1 2 ध्यान रखेंगे ये ऐसे नहीं होना चाहिए, या ऐसे नहीं, बिल्कुल सीधे कंधे की ठीक सीध में। ये भी आप 10 बार करेंगे। ये करने के बाद में अब दोनों हाथों को इस तरीके से यहीं से आप यहां रखेंगे और इसको 10 बार क्लॉकवाइज करेंगे। दोनों हाथ मिलाते हुए कोहनियां आपकी आगे की तरफ आएंगी, ये गर्दन सीधी रहेगी, ये भी आपने 10 बार करना है। और पीछे जाते समय लगना चाहिए कि आपकी गर्दन पर खिंचाव आ रहा है। ये 10 बार करने के बाद में ठीक इसके अपोजिट डायरेक्शन में, 1, यानी कि पीछे से आगे की तरफ मिलाते हुए कोहनियों को पीछे ले जाना है, ये भी 10 बार करेंगे। ये इस एक्सरसाइज के बाद में फिर यहां से, अभी हमने ये करा था यहां पर हाथ जोड़कर, फिर हमने यहां से स्टार्ट कर दिया ये। अब इस हाथों को ऐसे खोल लेंगे और हाथों को इस तरीके से रखना है कि मान लीजिए आप किसी दीवार पर दोनों हाथों को रख रहे हैं। ये मेरे हाथ को पोजीशन को देखेंगे, हाथ पूरे गंदे के कंधे के सीध में रहेंगे, गर्दन सीधी रहेगी। अब यहां से आपने सर्कल बनाते हुए 10 राउंड करने हैं, 1 2 3 4, गर्दन सीधी रहेगी, हाथ पर पूरा खिंचा हुआ आएगा, कंधे पर पूरा खिंचा हुआ आएगा। ये इस तरीके से आपने 10 राउंड करने हैं। ये 10 राउंड कंप्लीट होने के बाद में फिर इसके अपोजिट यानी कि एंटी क्लॉकवाइज करना है, 1 2 3 4, ये पूरे 10 बार आपने ये करनी है। इसके बाद में दोनों हाथों को, अब यहां से हम इस हाथों को यहां मोड़ लेते हैं, एक हाथ ओवरलैप करेगा, एक नीचे एक ऊपर, और यहां से पूरा पीछे की तरफ खींचना है, 1 2, गर्दन सीधी, कंधे पे खिंचाओ, 3, इस प्रकार इसको भी आप 10 बार करेंगे।